नमस्कार दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण से हम क्या सीख सकते हैं और श्री कृष्ण से जो सीख मिलती है उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिससे हमारा और दूसरों का उद्धार हो। जो इंसान श्री कृष्ण ने बताए गए रास्ते से चलता है उसे अपने जीवन कभी भी दुख और असफलता नहीं मिलेगी। तो दर्शकों, इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने, तभी आपको इस ज्ञान का लाभ होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवत गीता में और ब्रह्म विद्या शास्त्र में कहा गया है कि जब हम कर्म निष्काम भाव से करते हैं तो हमें उन कर्मों के फलों को भोगना नहीं पड़ता। इसका यह अर्थ निकलता है कि मनुष्य योनि में यदि हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भोगने का तरीका निष्काम होगा तो प्रारब्ध के कर्म तो निरस्त हो जाएंगे, परंतु नए कर्म नहीं जुड़ेंगे, अर्थात संचित होंगे और नहीं नया प्रारब्ध बनेंगे। निष्काम कर्म अर्थात स्वयं को परमेश्वर का दास समझते हुए परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने कर्तव्य निभाना, परंतु उनके फल की इच्छा न रखना। किसी ने घर बनाने के लिए कर्म किया और घर बन गया, घर का बन जाना उस कर्म का फल हुआ। किसी ने मेज बनाया, किसी ने घड़ा बनाया। मीमांसा दर्शन का सिद्धांत है कि कर्म न किया जाए तो कोई चीज नहीं बन सकती। कर्म में भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यवहार में देखा गया है कि हजारों लाखों मनुष्य एक ही प्रकार का कर्म करते हैं, परंतु फल हर मनुष्य को अलग अलग यानी सफलता में अंतर मिलता है। इसका कारण भावना है। भावना की तीव्रता में अंतर होने से फल अलग अलग होता है। कुछ लोग कहते भी है कि मन लगाकर यानी भावना की तीव्रता से कर्म करो। साधारण मनुष्य को यह बताना मुश्किल होता है कि किस कर्म का फल कैसा होगा, और यह बताना यानी गणना करना तो और भी मुश्किल होता है कि कब मिलेगा। ऐसा मनुष्य आत्मा के सीमित ज्ञान के कारण होता है। यद्यपि योगी की चरम स्थिति में यह बताना संभव बताया गया है। दर्शकों, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म में चलता है, लेकिन हमें नहीं पता कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको कर्म के बारे में समझना जरूरी है। कर्म का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस कर्म शब्द को लेकर बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आज भी आपको किसी भी किताब में या वेबसाइट के ऊपर कर्म की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिलेगी। सब जगह पर यह लिखा हुआ मिलेगा कि हम कर्म करते हैं और हमारे लिए कर्म करना जरूरी है। यह बात सच है कि हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एक जीव को जीवन चलाने के लिए कर्म करने की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य कर्म योनि है और उन्हें कर्म करने का अधिकार है, और इसीलिए तो देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं। अब आप यह सोच सकते हैं कि देवता भला मनुष्य योनि के लिए क्यों तरसेंगे? तो इसका कारण यह है कि वे खुद के कार्मिक ढांचे में यहाँ आकर ही बदलाव कर सकते हैं। आपके पास शरीर है, आप कर्मों के अंदर बदलाव कर सकते हैं। खैर, सबसे पहले आपको हम बता दे कि कर्म का मतलब सूचना से होता है। जो आप देख रहे हैं या जो आप सुन रहे हैं या जो सूचना आपके दिमाग तक पहुंच रही है वह कर्म ही है। कर्म एक डेटा होता है और यह सिग्नल हमारे दिमाग में सेव होता है। आपको यह बता दे कि जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि संचित कर्म नष्ट नहीं होते हैं, तो इसका अर्थ उन सिग्नल से है, उस डेटा से है जो आपके विचार है या दूसरे कार्य है।
जब हम मर जाते हैं तो यही सूचनाएं हमारे साथ रहती है, यही हमारे कर्म है। और विज्ञान यह बात सिद्ध कर चुका है कि बोली हुई आवाज कभी नष्ट नहीं होती है। तो हमारे दिमाग के अंदर पड़ी हुई वही आवाज कैसे नष्ट हो सकती है? जब हम मर जाते हैं तो यह कचरा हमारे साथ जुड़ जाता है। यह सारी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें कोई चमत्कार मत समझे। और इसी कचरे को हम फालतू के अंदर तब तक मूर्खों की तरह ढोते रहते हैं जब तक दूसरा शरीर नहीं मिल जाता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत से मूर्ख मौजूद हैं जो इसी कचरों को खुद का होना मानते हैं। लेकिन इस कचरे के अलग होने के बाद जो कुछ बचता है वही आपका असली स्वरूप होता है, जहाँ पर पाप पुण्य और कुछ भी नहीं होता है। आपकी पहचान वहाँ पर नष्ट हो जाती है। तो आपके दिमाग में जो कुछ पड़ा है वह आपका कर्म ही है। हाँ, यह अलग बात है कि उनमें से कुछ कर्मों का आपको फल मिल चुका होता है और उनमें से कुछ कर्मों का फल नहीं मिला होता है। अब आप कर्म की वैज्ञानिकता को समझ ही चुके होंगे। जो योगी लोग होते हैं उनके कर्म दिव्य होते हैं, मतलब कि वे निष्काम कर्म करते हैं। इस प्रकार के कर्मों का फल हमें नहीं भुगतना पड़ता है। जब हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ तो हम अनजाने में कर्म बंधन में फंस जाते हैं। जबकि आप एक ऊर्जा है, आप कर्म नहीं कर सकते। कर्म प्रकृति की वजह से होता है। संचित कर्म और क्रियमाण कर्म तो हर समय होते रहते हैं। उनमें कुछ तो भोग लिए जाते हैं और शेष इकट्ठा होते रहते हैं। इस प्रकार की चित्तरूपी गोदाम में एकत्रित हुए कर्मों को संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्मों का स्वरूप कर्म का भंडार अक्षय है, कभी खत्म नहीं होता। भोगने से कभी वह भंडार समाप्त नहीं होता। कर्मों का नियम यह है कि नामुक्त क्षीयते कर्म कोटिकल्प शतिर्पि, अर्थात कोई भी कर्म करोड़ों कल्प बीतने पर भी बिना भोगे नष्ट नहीं होते। ऐसी स्थिति में जीव की मुक्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कर्म का भंडार अक्षय है, उसको भोगते भोगते जीव अनादि काल से 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता चला आ रहा है, फिर भी कर्म का भंडार अक्षय ही बना रहता है। साधन जीव को मुक्ति मिल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो चाहते हैं उस पर कभी भी हार मत मानो। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी से गहरा लगाव था और उन्होंने कभी भी अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण इसे खेलना बंद नहीं किया। यहाँ तक कि युद्ध के समय भी उनके पक्ष में थे। जब हम अभिभूत हो जाते हैं तो शौक और जुनून हमारे अंदर नृजान फूंक सकते हैं। अपने साथी के लिए हमेशा सेवाभावी रहना चाहिए। क्रूबार कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को जहर देने से बचाया, जबकि वे शायद उसके करीब नहीं थे, फिर भी वह उनकी सेवा के लिए तैयार थे। कोई बात नहीं, मानव जाति की सेवा के लिए भगवान की सेवा के रूप में माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं निस्वार्थ बिना शर्त प्यार ही कुंजी है। उन्होंने न केवल उन लोगों को आशीर्वाद दिया जिन्होंने उन्हें नाराज किया, बल्कि उन्होंने अपने भक्तों को मुक्ति यानी ज्ञान की पेशकश करते हुए बिना शर्त प्यार का अभ्यास किया। उनका जीवन ईश्वरीय प्रेम के बारे में था। यह एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक समय में एक ही काम करो। कृष्ण भविष्य के प्रति सचेत थे, लेकिन बिना किसी चिंता के क्षण में जीने का विकल्प चुना। यहाँ तक कि अगर वह जानते थे कि क्या होने वाला था तब भी उसे एक दिन में एक दिन लगता था।
चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में फंसना आसान है, लेकिन दिमाग और वर्तमान में बने रहना चीजों को बहुत आसान बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से लोगों को बदलने में मदद करे। एक बिंदु पर भगवान इंद्र कृष्ण की पूजा करने वालों से नाराज हो गए और उन्हें नष्ट करने की मांग की, लेकिन कृष्ण ने हस्तक्षेप किया और उन्हें बचाया। अपने मूर्खता को देखकर इंद्र ने क्षमा मांगी और कृष्ण ने दी। हर कोई गलतियां करता है, कभी कभी भयानक भी। एक डरपोक व्यक्ति मत बनो, लेकिन अन्य लोगों को बदलने के लिए जगह दे। वे आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिख दी है कि विनम्र रहे चाहे कुछ भी हो। भले ही वह सारी सृष्टि का स्वामी थे, फिर भी वह नम्र थे और अपने बड़ों के प्रति आदर करते थे, चाहे वह उनके माता पिता हो या गुरु। वह उन्हें खुश करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। इस वजह से लोग हर जगह उसकी मदद करने को तैयार थे। सभी के प्रति सम्मान दिखाए और वे आपके प्रति सम्मान प्रदर्शित करेंगे। श्री कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहे। अपने जन्म से ही कृष्ण ने क्रूर विपत्तियों का सामना किया, फिर भी उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सभी को निपटाया। दूसरे शब्दों में, वह सदा आनंद का जीवन जी रहे थे। यह शायद सभी का सबसे सरल सबक है। हमेशा याद रखना, खुशी भीतर से आती है। आपकी परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती है। श्री कृष्ण उदारता उनका मध्य नाम था। जब कृष्ण के मित्र सुदामा ने उन्हें चावल, जो वह खुद नहीं खरीद सकते थे क्या, लेकिन उन्हें भेंट किए, तो कृष्ण ने बड़े आनंद के साथ उपहार स्वीकार किया। इस उपहार को पाने के लिए सुदामा की पत्नी को भीख मांगनी पड़ी। बदले में उन्होंने सुदामा के घर को अपने घर में स्वतंत्र रूप से बहने वाली कीमती पत्थरों और अन्य चीजों की धाराओं के साथ सोने में बदल दिया। दर्शकों, हमेशा याद रखना कि स्वतंत्र रूप से दे और भाग्य आप पर मुस्कुराएगा। श्री कृष्ण ने अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक प्रदर्शन किया। भले ही वह ब्रह्मांड के भगवान थे, फिर भी वह अपने कर्तव्यों से कभी नहीं बचते थे। कठिनाइयों से भरा जीवन जीने के बावजूद उन्होंने कभी भी उनका प्रदर्शन नहीं रोका। जब यह अपने सभी भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आए, तो उसने एक ही समय में उन सभी को उपस्थित होने के लिए विभिन्न रूपों को ग्रहण किया। अगर जरूरत पड़ी और उसके लिए, उसे आज भी याद किया जाता है। स्वतंत्र रूप से दे और अपने दायित्वों को पूरा करे और लोग आपको कभी नहीं भूलेंगे। वह समाज में उनके पालन पोषण या कद के आधार पर लोगों के बीच अंतर नहीं करते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यह गोपी, चरवाहा लोक या यहाँ तक कि पुरुषों ने सीखा था। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके साथ समान व्यवहार किया गया था। वास्तव में उसने जानवरों के साथ बहुत ही दयालु व्यवहार किया। आध्यात्मिक रूप से किसी के बीच कोई अंतर नहीं है, हम सब एक है। भगवान श्री कृष्ण ने मित्रता को मान्यता दी। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जिस तरह से उन्होंने अपने बचपन के दोस्त सुदामा के साथ व्यवहार किया, उन्होंने दिखाया कि उनकी दोस्ती कितनी मूल्यवान थी। इसके अलावा वह अमीर या गरीब दोस्तों में भी अंतर नहीं करते थे। आजीवन मित्रता सम्मान और प्यार पर बनी होती है। दूसरों के साथ इस तरह व्यवहार करें और आप हमेशा प्यार और हमसी से घिरे रहेंगे। अपने माता पिता के लिए विशेष रूप से अपना कर्तव्य निभाया। एक बच्चे के रूप में उसके माता पिता को दुष्ट राजा हमसा द्वारा पकड़ लिया गया था।
जब वह एक आदमी में परिपक्व हो गया तो उसने राजा को हरा दिया और अपने माता पिता को रिहा कर दिया। अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए, खासकर जब वे उम्र में है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाया। बच्चों को पालने के लिए माता पिता बहुत त्याग करते हैं। बुढ़ापे में उनकी मदद करना धन्यवाद कहने का एक सुंदर तरीका है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि शांत और बने रहे। अपने पूरे जीवन में क्रूबार अप्रिय स्थिति में रहने के बावजूद भगवान कृष्ण हमेशा शांत और रचित रहे। वह कभी भी घबराए नहीं थे। जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरते हुए हम उससे यह सीख सकते हैं। श्री कृष्ण एक रणनीतिकार थे। जब कौरवों ने पांडवों का मुकाबला किया तो उन्हें पता था कि बाद वाले पराक्रमी कौरव सेना के खिलाफ मौका नहीं देंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी महसूस किया कि बुराई कौरवों को नियम तोड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए जवाब में उन्होंने नियमों को झुका दिया, लेकिन जब भी अनुचित स्थिति का सामना किया तो उन्हें नहीं तोड़ा। अपनी स्थिति से अवगत रहे और व्यावहारिक रहे। कभी कभी आपको बॉक्स के बाहर सोचना पड़ता है। धर्मयुद्ध के दौरान वह पांडवों के पक्ष में रहे और युद्ध के अंत तक उन्हें सुरक्षित रखा। इसके अलावा वह द्रौपदी को एक साड़ी से ढने वाला व्यक्ति थे जब उसके कपड़े उतार दिए गए थे। जब पूरे जीवन में इसकी आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने धर्म को बरकरार रखा। सही काम करो भले ही चुनौती पूर्ण हो, यही धर्म का पाठ और अर्थ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सबक उनके जीवन के विभिन्न बिंदुओं से लिए गए हैं। इसलिए यह देखने के लिए स्पष्ट होना चाहिए कि उनका पूरा जीवन सदाचार से गुजारा गया। भले ही इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह प्रेम का दिव्य अवतार थे। यह कहते हुए कि क्या कोई और सबक है जो कृष्ण के जीवन से सीखा जा सकता है? यदि हाँ तो आगे वीडियो में उन्हें साझा किया है, आप उसे स्वतंत्र महसूस करें। हम भगवान कृष्ण से क्या सीख सकते हैं? श्री कृष्ण की सिखाई गुरु बातें हर इंसान के लिए इस युग में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अर्जुन के लिए रही। जानिए उनके दिए व्यवहारिक ज्ञान का सार कैसे आज के प्रतियोगी युग में भी सफलता की गारंटी देता है। कृष्ण हर मोर्चे पर क्रांतिकारी विचारों के धनी रहे हैं। उनका सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि वह किसी बंधी बंधाई लीक पर नहीं चले। मौके की जरूरत के हिसाब से उन्होंने अपनी भूमिका बदली और अर्जुन के सारथी तक बने। भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ हर मुश्किल वक्त में देकर यह साबित कर दिया था कि दोस्त वही अच्छे होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। दोस्ती में शर्तों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए आपको भी ऐसे ही दोस्त अपने आसपास रखने चाहिए जो हर मुश्किल परिस्थिति में आपका संबल बने। महाभारत के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन ने न केवल अपने गुरु से सीख लिया बल्कि वह अपने अनुभवों से हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे। यह सीख हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। स्टूडेंट को शिक्षक के अलावा अपनी गलतियों और असफलताओं से भी हमेशा सीखना चाहिए। अगर पांडवों के पास भगवान कृष्ण की मास्टर स्ट्रेटजी ना होती तो शायद ही पांडव युद्ध में जीत पाते। इसलिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्ट्रेटजी बनाना आवश्यक है। डोंट वरी बी हैप्पी, इस फंडे को श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो? कृष्ण से जुड़ी किसी भी कहानी को सुने तो आपको ये बात साफ तौर पर देखने को मिलेगी कि इंसान को दूरदर्शी होना चाहिए।
और उसे परिस्थिति का आकलन करना आना चाहिए। कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि मुसीबत के समय सफलता मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इसकी बजाय हार की वजहों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें हमेशा कहा है को समस्याओं का सामना करे, एक बार डर को पार कर लिया तो फिर जीत आपके कदमों में होगी। मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु है भगवान कृष्ण। उन्होंने अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंतान करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया। भगवान कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी देखी तो उसके घर पहुंचने से पहले ही उसकी झोंपड़ी की जगह महल बना दिया। इसलिए कहते हैं कि दोस्ती कृष्ण से करनी सीखनी चाहिए और रिश्तों में कभी ओहदे को बीच में नहीं लाना चाहिए। सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता, खासतौर पर तब जब आपको विरोधियों का पलड़ा भारी हो, ऐसे में कूटनीति का रास्ता अपनाएं। श्री कृष्ण को सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ भी माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। अगर जिंदगी में आप भी बात बात पर अपना धैर्य खो देते हैं तो श्री कृष्ण से इसके लिए प्रेरणा ले। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 1000 गलतियां माफ की थी। वो हमेशा जिंदगी में मुस्कुराते रहने की सीख देते हैं। वो बताते हैं कि किसी चीज या लोगों की बातों को सुनकर हमें अपना धैर्य तुरंत नहीं खोना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुसीबत में कभी ना छोड़े दोस्त का साथ। कृष्ण और सुदामा के जैसी दोस्ती ना किसी की हुई और ना होगी। भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि जब आपके दोस्त को आपकी जरूरत पड़े तो एक सच्चे दोस्त होने के नाते आपको उसकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। श्री कृष्ण से हमें सच्ची दोस्ती के असली मायने पता चलते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। महलों में रहने वाले श्री कृष्ण मौका आने पर अर्जुन के सारथी भी बन गए। वो हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, हर काम को पूरी तत्परता से करनी चाहिए और इसे करने में आपको किसी तरह का शर्म या दुख नहीं होना चाहिए। समझदारी से नामुमकिन को करे मुमकिन। एक तरफ कौरवों की बड़ी सेना और दूसरी तरफ पांडव अपनी छोटी सी सेना के साथ महाभारत का युद्ध लड़ा और जीता भी। पांडवों की बहादुरी के अलावा इस जीत का श्रेय श्री कृष्ण को भी जाता है। उन्होंने अपनी समझदारी और सूझबूझ से युद्ध में क्रू प्रतिकूल परिस्थिति को पांडव के पक्ष में किया, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाले। क्रू बार इंसान विपरीत परिस्थिति से घबरा जाता है और गलत कदम उठा लेता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो श्री कृष्ण से प्रेरणा ले। वो खुद को परिस्थिति के हिसाब से ढालना बखूबी जानते थे। चाहे महलों में रहना हो या जंगल में, वो हर वक्त हमेशा सकारात्मक रहकर मुस्कुराते रहते थे। वह जो हाथों में बांसुरी रखता है और सिर पर मोर का पंख पहनता है, वह सर्वशक्तिमान है। और हम भगवान कृष्ण को नमन करते हैं। शांत मस्तिष्क के साथ विचार करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, निस्संदेह हे अर्जुन, मानस उत्सुक और सीमित करने के लिए कठिन है। हालांकि यह किसी भी स्थिर उग्र दूसरे अभ्यास द्वारा शांत किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रतिबिंब दृढ़ता के साथ और अलगाव के द्वारा। हे अर्जुन, किसी भी परिस्थिति में आकर्षकता लेने का प्रारंभिक कदम एक उचित शांत और एकत्रित मानस का निर्माण करना है। इसके लिए अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। एक तरीका चिंतन का है, दूसरा अपने आप को परिस्थिति से अलग करके वास्तव में बौद्धिक रूप से नहीं, जहां आप इसे एक अछूत के रूप में लेते हैं
और इस पर 10,000 फुट का दृष्टिकोण रखते हैं। उदाहरण के लिए फिल्म वेंटेज पॉइंट में नायक अपने मस्तिष्क में अधर्म के अवसरों की इसी तरह की व्यवस्था को दोहराता है, जब तक कि वह गुप्त रहस्य को उजागर नहीं करता। अपने आप को दृश्य से हटाकर वह इस बिंदु पर नहीं था, अपने जीवन पर जोर दिया और निष्पक्ष रूप से सोच सकता था। भगवद गीता के सबसे अक्सर पुनर्मिलन किए गए अभिव्यक्ति है और नियमित रूप से निष्काम कर्म के रूप में पहचाने जाते हैं। बिना प्रत्याशा के गतिविधि करते हैं। आपके पास अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का प्रदर्शन करने की कमान है, हालांकि परिणामों की कोई गारंटी या गारंटी नहीं है। काम के उत्पादों को आपकी विचार प्रक्रिया नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हमारी पसंद का बड़ा हिस्सा इस तथ्य के प्रकाश में प्रभावित होता है कि हम उनके परिणामों और परिणामों के बारे में आश्चर्य करते हैं। फिर भी जब आप समझते हैं कि आपके पास अंतिम परिणाम पर बहुत कम शक्ति है और जब आप जोर पर शून्य नहीं करते हैं, तो आपके प्रयासों को सभी अधिक महत्व के साथ लोड किया जाएगा। क्या अधिक आप इसी तरह एक छोटे से कुछ अतिरिक्त के रूप में वृद्धि पर एक पुरस्कार ले जाएगा और पुरस्कार की तरह अधिक है। सभी के साथ समान व्यवहार करें। एक व्यक्ति को प्रचलित के रूप में देखा जाता है जो सहयोगियों, साथियों, सलाहकारों, न्यूट्रल, मध्यस्थों, नफरत करने वालों, परिवार के सदस्यों, पवित्र लोगों और दुराचारियों के प्रति निष्पक्ष होता है। व्यक्ति हमारे जीवन को बनाते हैं और उनके साथ या हमारी स्थितियों से प्रभावित नहीं होने के लिए परेशानी है। फिर भी यह वास्तव में भगवान कृष्ण कहते हैं, निष्पक्षता के एक समान केंद्र बिंदु के साथ हर किसी के साथ व्यवहार करें। एक बच्चे को अपने बच्चे के होने की उत्कृष्टता के द्वारा अपने पिता के व्यवसाय को नहीं लेना चाहिए, जैसा कि इस आधार पर हो सकता है कि वह एक सक्षम और कुशल मजदूर है। इस तरह से जैसे कि किसी ने आपको उकसाया है, उन्हें अच्छे के लिए छूट दे, इस अवसर पर व्यक्ति नहीं है। दबाव के आगे समर्पण करने की कोशिश करें। व्यस्तता और आंदोलन से भरी दुनिया में एक दूसरे को सड़क पर क्रोध और पूर्वाग्रह से पीड़ित व्यक्तियों के साथ भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए ये शब्द किसी भी समय की तुलना में अधिक वास्तविक है। एक जिसके द्वारा दूसरों को अस्थिर नहीं किया जाता है और जो दूसरों से परेशान नहीं होते हैं, जो खुशी, ईर्ष्या, भय और तनाव से मुक्त होते हैं, मुझे अतिरिक्त रूप से प्रिय है। अपने आप को अनुचित चिंता से मुक्त करें। अपने तनाव को कम करने में मदद करने के लिए अपने दिन में पर्याप्त व्यक्तिगत समय जोड़े। मैं अक्सर काम से घर वापस आ जाता हूँ और इसके घटनाक्रम को देखते हुए मुझे दिन के तनाव को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। परिवर्तन के लिए तैयार। अर्जुन, जब सुस्ती भारी है, विस्मृति, जड़ता, लापरवाही और मतिभ्रम उभरता है, अपने व्यायाम में परिवर्तन और ऊर्जा जोड़ने से उन्हें एक लिफ्ट देने में मदद मिलती है। कभी कभी जब आप खुद को टॉर्पिडिटी या आलस्य की स्थिति में फिसलते हुए महसूस करते हैं, तो अपने आप को काम दे, पाठ्यक्रम में बदलाव करे, अपने आप को एक और परीक्षा दे। हमें याद है कि जब मैं एक स्कूल में शिक्षित हुआ था, तो हम अक्सर उस तरीके को फिर से काम में लेते थे जिसमें युवा वर्ग में बैठते थे। हम उन्हें उठने, टेबल को इधर उधर ले जाने और दूसरे स्थान पर बैठने के लिए प्रेरित करते थे। इससे वे सतर्क रहे और इसके साथ ही उन्हें और अधिक साथी बनाने में मदद मिली। इसके अतिरिक्त इस मौके पर कि आप एक परिप्रेक्ष्य में बाहर रुकते हैं, आप शायद अच्छी व्यवस्था के बारे में नहीं सोचेंगे।
सीखने और चीजों को करने के नए दृष्टिकोण के लिए उपलब्ध होना, विश्वास के साथ अधिनियम होना चाहिए। जो कुछ भी विश्वास के बिना प्रबंधित किया जाता है, चाहे वह तपस्या हो, अच्छा कारण हो, गुरुत्वाकर्षण हो या कोई अन्य प्रदर्शन हो, निरर्थक है। हे अर्जुन, यहाँ या अब से इसका कोई प्रोत्साहन नहीं है। शहरवासियों के बारे में एक विशिष्ट कहानी है, जो अपने घरों से भगवान के लिए बहुप्रतीक्षित मंदी के लिए याचिका दायर करने के लिए निकले थे। इन व्यक्तियों में से हर एक के बीच में एक छोटा बच्चा था, जिसने एक छत्र को जन्म दिया था। इस युवक में वास्तविक आत्मविश्वास था। कुछ भी करने का निर्णय लेना एक गतिविधि है, फिर भी इसके लिए तैयार रहना आत्मविश्वास है। किसी भी गतिविधि का प्रयास करने से पहले इस बात पर विचार करें कि उसमें कितना आत्मविश्वास है। बंद मौके पर कि आपको इसे किसी भी मामले में वैध नहीं करना है, या इसके लिए किसी अतिरिक्त स्टोर पर आकर्षित नहीं करना है। इस बिंदु पर यह दृढ़ विश्वास का प्रदर्शन है और आपके लिए सही विकल्प है। बुलंद उम्मीदें सेट करें, क्योंकि जो भी माननीय लोग करते हैं, दूसरों का अनुसरण करते हैं। वे जो भी मानक स्थापित करते हैं, दुनिया उसका अनुसरण करती है। जब भी आपने अपनी रणनीति को चुना है, तो अपनी महानता के अपने मानदंड निर्धारित करें, अपनी समृद्धि को बेंचमार्क करें और बाद में नए सिरे से उच्च बनाएं। सबसे अच्छा प्राप्तकर्ताओं ने प्रभुत्व के अधिक प्रमुख अंशों को बढ़ाने के लिए खुद को आगे बढ़ाया है। वे खुद को प्रतिद्वंद्वी करते हैं और अपने जीवन के सभी पहलुओं में सीखते रहते हैं। वे प्रगति और निराशा के साथ मिलते हैं, फिर भी एक ही समय में विकास जारी रखते हैं। इसके अलावा उनका भ्रमण हमें रुलाता है और हमारे जीवन को प्रकाश प्रदान करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।